आपने पीटीआई का जो सांग आया है ये मशहूर है कि आपको उस वजह से गिरफ्तार किया गया, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए जी, मैंने 2013 में भी और 2018 में भी और अब भी मैंने कुछ सॉन्ग तराने परफॉर्म किए हैं पीटीआई के लिए। तो आपको सबको मालूम है कि पीटीआई के ज़रा मामला कुछ ऐसे हैं कि हम जब भी, क्योंकि मैं जब जाता हूँ किसी शो पे तो मुझे जब इंतज़ामिया कहती है कि आपने ये परफॉर्म करना है तो मैंने, क्योंकि उन्होंने बुलाया होता है, मैंने उनकी हर ख्वाहिश पूरी करनी होती है, तो मुझे लगता है कि शायद वो मामला भी हो सकते हैं जिसकी वजह से मुझे गिरफ्तार और मेरे साथ गिरफ्तार। अच्छा सर, आप ये जो इल्ज़ाम ये जो लगे हैं के रूल गोपाड़ा और शराब नोशी और हवाई फायरिंग, इस हवाले से आप क्या कहेंगे, इसमें सदाकत है कोई? सर बिल्कुल झूठे हैं। और ना फायरिंग, क्योंकि हम स्टेज पे मौजूद थे, ना हमने कोई फायरिंग देखी, ना ऐसा कोई शराब नोशी का मसला था। बड़े प्यार से शोएक हो रहा था, एक बार परफॉर्म करने थे, लोग जो थे वो उनके रिश्तेदार दोस्त इंजॉय कर रहे थे, तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा मामला हो, बस सियासी मामला हो सकते हैं मेरे ख्याल से।